नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 13 स्वच्छता निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों, स्वच्छता निबंध के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो बच्चों, इस इकाई में स्वच्छता के महत्व को बताया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अनेक रोगों से बच सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें तो हम स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। यहाँ स्वच्छता संबंधी सतर्कता की जानकारी इस निबंध के माध्यम से हमें दी गई है। तो बच्चों, हमें हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए, स्वच्छता यानी सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता रखने से गंदगी नहीं फैलती है और गंदगी न फैलने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए कहा जाता है स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। तो बच्चों, यह चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, यह अजय के मोहल्ले के बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्या है कि अजय के मोहल्ले में मोहन जो है वो अजय के जन्मदिन के अवसर पर उसके घर जाता है। तो इसी समय एक व्यक्ति जो है वो केले का छिलका जो है वो मोहन के ऊपर गिराता है और मोहन जो है इस छिलके को क्या करता है, उठाकर कूड़ेदान में डालने के लिए जाता है। तो इसी समय कूड़ेदान के पास बहुत सारा कूड़ा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी। इस चित्र के माध्यम से बच्चों हम देख सकते हैं। तो देखो, एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। जन्मदिन यानी वर्षगांठ, सालगिरह। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उपहार यानी भेंट होता है, नजराने की वस्तु जिसे कहा जाता है उपहार। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। बच्चों, यह छिलका का अर्थ होता है फल का आवरण। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए एक कहानी की एक पुस्तक खरीदी थी। उसे रंगीन कागज में लपेटकर अजय की घर की ओर चल पड़ा था मोहन। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका जो है वो आकर गिरता है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है, अजय ने मोहन को कब बुलाया था? अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन को बुलाया था। अजय ने अपने जन्मदिन पर मोहन को बुलाया था। दूसरा प्रश्न है, मोहन ने उपहार में क्या खरीदा? तो मोहन ने उपहार में एक कहानी की पुस्तक खरीदी थी। यहाँ प्रश्न है, मोहन के ऊपर क्या गिरा था? तो मोहन के ऊपर केले का एक छिलका गिरा था। आगे देखो बच्चों, यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह है अजय का घर और अजय के जन्मदिन पर इसके सभी मित्र जो है वो जन्मदिन पर आए हुए थे। और इसी समय वहाँ जो अजय के जन्मदिन पर मोहन जो है वो भी जाता है। तो अजय मोहन से अपनी माँ को मुलाकात करवाता है। ये चित्र के माध्यम से हम बच्चों देख सकते हैं। छी, कितनी बुरी आदत है, सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में ही सोचा। छी, कितनी बुरी आदत है कि सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन अकेला था इसलिए मन ही मन वह
सोच रहा था। उसने छिलका उठाया, इधर उधर देखा, कुछ दूरी पर एक से कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। कूड़ेदान का अर्थ होता है बच्चों कचरा डालने का पात्र। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो बच्चों इसी समय मोहन जो है अकेला जा रहा था। मोहन अकेला सोच रहा है कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकते हैं। उसने छिलका उठाया, इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर एक कूड़ेदान नजर आता है। उसने छिलका उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा जो कूड़ा है कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वह मक्खियाँ भिनक रही थी, चारों ओर गंदगी फैली हुई दिखाई देती थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। बच्चों यहाँ बदबू का अर्थ होता है दुर्गंध। उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। उससे पानी से बदबू आ रही थी। कुछ आगे मोहन बढ़ता है तो इसी समय वहाँ से बदबू आई थी। उसने देखा तो इसी समय नालियों में कूड़े के कारण पानी जो है वो रुका हुआ था। इसी पानी से बदबू आ रही थी। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि नालियों में पानी क्यों रुका था। तो नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। और यहाँ प्रश्न होता है अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा। तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने देखा कि कूड़ेदान के पास बहुत सा कूड़ा फैला हुआ था, जहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी, चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था, यह देखा था। बच्चों गंदगी से बहुत सारी बीमारी होती है। हर गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है तो मलेरिया, डायरिया, डेंगू, टाइफॉइड, कोलेरा, हैजा जैसी बीमारी जो है वो गंदगी की वजह से होती है। इसलिए हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। आगे है मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए हुए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका उसे साफ नहीं करती है? मोहन क्या करता है बच्चों, तो नाक पर रुमाल रख देता है और अजय के घर पहुंच जाता है। अजय के और भी वहां मित्र आए हुए थे और अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो है वो दादी बीमार थी और मोहन उनसे भी मिला। तो इसी समय मेज पर जो खाने की चीज़ें रखी थी वो मेज पर खाने की चीज़ें पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी और मोहन अजय से कहता है कि अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका उसे साफ नहीं करती है? इसी समय अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसीलिए सफाई नहीं रहती है। सड़क यानी रास्ता होता है। तो इसी समय अजय की माताजी आती है और कहती कि बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, फिर भी कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए वहाँ सफाई नहीं रहती है। बच्चों यह प्रश्न होता है मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। तो मोहल्ले में जगह जगह कूड़ेदान होने पर भी कुछ लोग कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में नहीं डालते और सड़क पर ही फेंकते हैं, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। आगे देखो, दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए, सहायता यानी मदद करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें।
स्वयं यानि अपने आप खुद। तो दूसरे दिन पाठशाला में मोहन जाता है और मोहन जो है सारी बात अध्यापक को बताता है। अध्यापक ने कहा कि तुम ठीक कहते हैं, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है और नगरपालिका का काम तो नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें नगरपालिका की मदद करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब बच्चे के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। बच्चों यह प्रश्न होता है रोगों की जड़ क्या है, तो रोगों की जड़ गंदगी है। और प्रश्न बच्चों यहाँ होता है कि हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं, तो हम नगरपालिका द्वारा रखे कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें। नगरपालिका की जो गाड़ी आए तो इस गाड़ी में ही अपना घर का कचरा जो है उसमें ही डालें और उन्हें कचरा ले जाने को कहे। इसी प्रकार हम नगरपालिका की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, तो यहाँ मोहन के पाठशाला के जो अध्यापक है और इस पाठशाला के जो छात्र है, वो छात्र अजय के मोहल्ले की सफाई करने के लिए आए हुए हैं। वो सभी साफ सफाई कर रहे हैं, यहाँ हम चित्र के माध्यम से बच्चों देख सकते हैं। यहाँ क्या है, तो टोकरी फटका पानी झाड़ू लेकर सभी जो है वो सभी इस मोहल्ले की सफाई कर रहे हैं। आगे देखो, रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। अजय के मोहल्ले में कब गए थे, रविवार के दिन, मोहल्ले यानी गली सेरी में। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया और नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया और नालियों की जो सफाई, नालियों की भी सफाई की और पानी जाने का रास्ता भी उन्होंने बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था, उत्साह यानी उमंग, जोश था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। सभी सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद नाली भी साफ कर देते हैं, मक्खी मच्छर मारने वाले की दवा भी डाल देते हैं। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जो है वो सब बाहर आकर उन्हें देखते हैं। बच्चों में इतने उत्साह था, आनंद था कि देखते ही देखते सारा मोहल्ला जो है स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है कि हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ़ रखना चाहिए। तो हमें घर और मोहल्ला साफ़ रखना चाहिए क्योंकि सफाई के बिना गंदगी फैलती है, गंदगी से कई रोग फैलते हैं, जिसकी वजह से हमें सफाई रखनी चाहिए। यहाँ और प्रश्न होता है, अध्यापक ने लोगों को क्या समझाया था। तो अध्यापक ने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं, यह उन्होंने समझाया था। और प्रश्न होता है कि अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गया था। तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में इसलिए ले गया था कि मोहल्ले की सफाई करने के लिए लेकर गया था। उन्होंने कहा कि मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। मेरी पाठशाला के जो बालक है वो सप्ताह में एक बार यहाँ सफाई के लिए आएंगे। सप्ताह का अर्थ होता है बच्चों 7 दिनों का समूह, जिसे कहा जाता है सप्ताह। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता यानी मदद करें। अध्यापक लोगों से कहता है कि मेरी पाठशाला के बालक जो है सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में सहायता करेंगे। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप उसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे।
एक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं नहीं इन बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वयं ही अपने आप ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा ही पाएंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें यहाँ स्वच्छता निमन जो है, इस निमन से सीख मिलती है कि हमें भी अपने गांव मैदान बगीचे वर्ग सभी जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो गंदगी फैलती है और गंदगी फैलती है जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। यह जानकारी हमें स्वच्छता निमन से हमें मिलती है। तो बच्चों, हमने स्वच्छता निमन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम उसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो उत्तर है, हम अपनी पाठशाला में वर्ग मैदान बगीचे और ब्लैक बोर्ड की सफाई करते हैं। दूसरा है, गंदगी से हमें कौन सी बीमारियां होती हैं? तो उत्तर है, गंदगी से हमें मलेरिया डायरिया डेंगू टाइफॉइड कोलेरा हैजा इत्यादि बीमारियां होती हैं। प्रश्न तीन, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है, सफाई के लिए झाड़ू टोकरी फटका और पानी आदि का उपयोग किया जाता है। चौथा है, पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो उत्तर है, पाठशाला के अलावा हम घर मोहल्ले और बगीचे की सफाई का काम करते हैं। बच्चों, हमने अभ्यास के प्रश्न देख लिए, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? उत्तर है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने देखा कि कूड़ेदान के पास बहुत सा कूड़ा फैला हुआ था, मक्खियाँ भिनक रहे थे, चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। प्रश्न दो है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? उत्तर है, मोहल्ले में जगह जगह कूड़ेदान होने पर भी कुछ लोग जो है वो उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे सड़क पर ही कूड़ा फेंकते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। प्रश्न तीन है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गया? उत्तर है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में मोहल्ले की सफाई करने के लिए लेकर गया था। प्रश्न चार, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, हम नगर पालिका द्वारा रखे कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, नगर पालिका की गाड़ी आए तो अपने घर का कचरा उसमें ही डालें तथा उन्हें कचरा ले जाने को कहें। पांचवा है, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? उत्तर है, हमें घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि सफाई के बिना गंदगी फैलती है, गंदगी से कई रोग फैलते हैं। प्रश्न दो है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द के अनुसार हमें क्या करना है बच्चों, वाक्य प्रयोग करना है। अच्छा, कोमल, लाल, सफ़ेद। उदाहरण है सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। इसी प्रकार यह शब्द जो है बच्चों, इस शब्द को हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अच्छा, तो वाक्य है, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। दूसरा, कोमल, तो पक्षियों के पंख कोमल होते हैं। तीसरा, लाल, तो मेरे पास लाल रंग की पेन है। चौथा है, सफ़ेद, तो मेरे पास सफ़ेद रंग के शर्ट है, यानी ड्रेस है। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार यह शब्द का क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न तीन है, अंगों को काम से मिलाइए। यह अंग दिए गए हैं और ये अंग जो है बच्चों, ये क्या काम करते हैं उसके बारे में हमें बताना है।
तो बच्चों सभी को मालूम है कान से, तो कान से क्या कर सकते हैं, गाना सुनते हैं। दूसरा है आँख से, आँख से हम क्या कर सकते हैं, तो फिल्म देखते हैं। तीसरा है नाक से, तो नाक से क्या है बच्चों, यहाँ दिया गया है नाक, तो नाक से क्या कर सकते हैं, तो उसे फूल सूंघते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, फूल को सूंघ सकते हैं। पैर से, तो बच्चों पैर से क्या कर सकते हैं, चलते हैं। हाथों से, हाथों से क्या कर सकते हैं, बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं। और मुंह से, तो मुंह से क्या है बच्चों, गाना गाते हैं। तो इसी प्रकार जो अंग दिए गए हैं, तो वो अंग क्या काम करता है उसके बारे में बच्चों यहाँ सही जोड़ मिलाना है। वह सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। यहाँ बच्चों पहला है उदाहरण, कान से गाना सुनते हैं। तो इसी प्रकार उदाहरण के अनुसार हमें यह सब लिखना है, वाक्य बनाना है। दूसरा है तो आँख से फिल्म देखते हैं। तीसरा है नाक से, तो फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं। और मुंह से तो गाना गाते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ वाक्य बनाकर लिखना है। प्रश्न चार है, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है और इस दृश्य के बारे में देखना है, और दृश्य देखकर हमें क्या करना है, उसका वर्णन लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले इस चित्र में देखते हैं, तो इस चित्र किसका है, दीपावली पर्व का दृश्य हमें दिखाई देता है। यहाँ दिया जल रहा है इसीलिए, तो इस चित्र में दीपावली पर्व का दृश्य दिया गया है। घर में दीपक जलाकर सजाया गया है। घर में बच्चे जो है वो क्या करते हैं, मिठाई खा रहे हैं। लड़का जो है वो लड़का पटाखे देखकर सोच में पड़ रहा है, कौन सा पटाखा चलाए, यह सभी सोच रहे हैं। सभी क्या सोच रहे हैं, पटाखा जो है कौन सा जलाए, यह सोच रहे हैं। सभी लोग जो है वो दीपावली की खुशियां जो है वो खुशियां मना रहे हैं। दीपावली रोशनी का पर्व है, यानी त्यौहार है। तो बच्चों इसी प्रकार यह चित्र देखकर चित्र का वर्णन करना है। प्रश्न पाँच है, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों यह क्या है कि मेरा गांव और मेरी दिनचर्या, इस विषय पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो मेरे गांव का नाम रामपुर है। वह छोटा सा परंतु सुंदर गांव है। आसपास हरे भरे खेत है। इस गांव में लगभग 5000 लोग रहते हैं। पिछले कई सालों में गांव की अच्छी तरक्की हुई है। गांव में छोटा सा पुस्तकालय है। बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। गांव में एक पंचायत घर है जहां गांव के छोटे बड़े झगड़े निपटाए जाते हैं। पुराना शिव मंदिर है जहां शिवरात्रि को मेला लगता है। गांव में प्राथमिक शाला है। एक छोटा सा अस्पताल है जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। गांव में कुछ दुकानें हैं जहां सामान मिलता है। तो बच्चों इसी प्रकार मेरा गांव, अपने गांव के बारे में यहां लिखना है। दूसरा है मेरी दिनचर्या। दिनचर्या यानी सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं उसके बारे में दिनचर्या वर्णन करना है। तो मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठती हूँ। नहा धोकर तैयार होती हूँ। नाश्ता करके दूध पीती हूँ। 7 बजे स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। स्कूल में 7:30 बजे प्रार्थना शुरू होती है। आंख बंद करके मैं शांति से प्रार्थना में खड़ी रहकर प्रार्थना गाती हूँ। उसके बाद शिक्षक जो पढ़ाते हैं पढ़ती हूँ। 12:30 बजे स्कूल से वापस बस में घर आती हूँ। हाथ पैर धोकर खाना खाती हूँ।
थोड़ी देर टीवी देखकर आराम करती हूँ। शाम को सखियों के साथ खेलती हूँ, साइकिल चलाती हूँ। घर आकर हाथ मुँह धोकर स्कूल का गृह कार्य पूरा करती हूँ। थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। रात को 9 बजे खाना खाती हूँ। खाने के बाद अखबार पढ़ती हूँ और 10 बजे मैं भगवान को प्रार्थना करके सो जाती हूँ। तो बच्चों, इसी प्रकार मेरी दिनचर्या के बारे में यहाँ चर्चा करना है। उसके बाद क्या है, तब बनाइए, लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। पोस्टर बनाना है और स्वच्छता को जागरूक करने के लिए पोस्टर बनाकर क्या करना है, इस पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर लगाना है। प्रश्न 7 है, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, पानी को एक जगह रोकना नहीं चाहिए, नाली की सफाई करवानी चाहिए, मच्छर मक्खियों के लिए समय समय पर दवा डलवानी चाहिए, हमेशा ताज़ा ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए, खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो इधर उधर कचरा कूड़ा देखे तो उसे उठाकर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, बिना नहाए धोए सुबह नहीं रहना चाहिए, दांत में मंजन किए बिना नहीं रहना चाहिए, हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाना चाहिए, रास्ते के किनारे खुली लारियों में नाश्ता नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, इसी प्रकार यह हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह हमें बताना है। तो बच्चों, हमने जो यह 13 स्वच्छता नियमन जो है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और उसके अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों की जानकारी भी ले ली। तो बच्चों, अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।